पड़ेगी हमको। आई हैव टेकन योर अटेंडेंस। अभी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 दिखाई दिया क्या? मोहित, मोहित आर यू एबल टू सी क्वेश्चन नंबर 19? मोहित सर दिख रहा है, दिख रहा है। अपना कम्युनिकेट करो मेरे से, है ना? मेरे को पता नहीं चलेगा तुम्हें कौन आ रहा है नहीं आ रहा, तुमने पूछा ही क्वेश्चन, इसलिए अपना माइक ऑन कर दो और मैं जो पूछूं उसके बीच में मेरे को नेविगेट करते जाओ। ये सी हमारा स्टेटमेंट है, पी एन इज सच दैट एन एन प्लस वन एन प्लस फाइव विच इज मल्टीपल ऑफ थ्री। तो ये थ्री वाला मल्टीपल है ये सर, हमने उसमें भी समझाया था स्लाइड के हेल्प से, और उसी को फिर समझा देते हैं यहाँ पर। तो एन इज इक्वल टू वन हम पुट करेंगे तो आएगा हमारा पी वन, और पी वन कितना आएगा, वन इंटू वन प्लस वन और वन प्लस फाइव आ जाएगा 12। 12 इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री और नॉट? यस, एवरीबॉडी नो दैट 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो पीएन इज ट्रू। नाउ इन द सेकंड स्टेप पीके इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, पी एन इज इक्वल टू के पुट करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो एन की जगह जब हम के रखेंगे तो के के प्लस 1 के प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, के के प्लस 1 के प्लस 5 हो गया 3m। इसको हमने जब 3 का मल्टीपल है या डिविजिबल है तो हम उसको 3m टाइप से ले लेंगे, ये मैंने पहले बताया था। क्यों ले लेते हैं इसका भी रीजन बताया था, कोई भी नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है तो उसमें जिस नंबर का मल्टीपल है उसको छोड़ के बाकी सब वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, या 3 इंटू 4 आ जाएगा, तो जो 4 है वो यहाँ पर एम, हमको पता नहीं कितना नंबर है कौन सा फैक्टर है तो हम इसको जगह एम रखते हैं। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है के प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। समझ आ रहा है मोहित? यस सर आ रहा है। के प्लस वन के लिए जब हम प्रूव करेंगे तो के की जगह हम क्या रख देंगे, देखो ये जो स्टेटमेंट है इसी में के की जगह मैं के प्लस वन रखूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर के की जगह के प्लस वन रखा, देखो तो ये बनेगा क्या? ये बन जाएगा आपका के प्लस वन के प्लस फाइव प्लस वन और के प्लस, यानी कि यहाँ आ जाएगा के प्लस वन के प्लस टू और के प्लस सिक्स सीधा सीधा। ठीक है, अब ये जो है ना के प्लस सिक्स आएगा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसमें कलाकारी करनी है। कलाकारी क्यों करनी है अभी बताता हूँ। इसको मैंने के प्लस सिक्स में लिखी, के प्लस फाइव प्लस वन लिख लिया है ना। अब देखो क्या होगा, इस पूरे ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट आ रहा है के प्लस वन ये वाला, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी के प्लस वन के प्लस टू के प्लस फाइव आ जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा के प्लस वन और के प्लस टू, वन से जब मल्टीप्लाई करूंगा। इससे क्या फायदा कर लिया मैंने, इससे ये फायदा हो गया कि ये स्टेटमेंट है के प्लस वन के प्लस टू और के प्लस फाइव, हाँ है ना, ये हमने सपोज किया हुआ है इस वाले स्टेप में। कितना माना हुआ है देखो, 3m के इक्वल माना है कि नहीं, सही बस यही से हमें यूज करना है। ये मैंने लिख दिया 3m प्लस 2 और इधर आ गया था हमारा ये k प्लस 1 और 2 k प्लस 5 और ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर वाले में। यहाँ पर ये आ जाएगा, देखो के प्लस वन के प्लस टू, तो इधर आ गया के प्लस वन के प्लस टू और ये वाला ब्रैकेट और आ जाएगा, इसमें टू के प्लस फाइव। इसकी वैल्यू कुछ करोगे? सही हाँ
सर ये जो पिंक कलर का जो आपने किया है सर, इसने मल्टीप्लाई क्यों किया था सर आपने? ये देखो k प्लस 5 को इधर ले लिया था, 1 इधर कर लिया था, है ना। हाँ k प्लस 5 जो है ना पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 5 हो गया। और फिर k प्लस 1 प्लस 2 को मैंने 1 से करेंगे तो आएगा। अब देखो और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हमने आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है, कट अच्छा रही है अब आ सर वो रही है, बीच बीच ठीक में। है। एक मिनट थोड़ा सा बनाता हूँ मैं नेटवर्क, अच्छी कभी कभार आ जाता है। तो यहाँ पर देखो मेरे को ये वैल्यू चाहिए कि ये जो वैल्यू दिख रही है ना, इसकी वैल्यू हम शूट कर सकते हैं, है ना। इसी वैल्यू हमें यूज करना है। और ये वैल्यू क्या है, के के प्लस वन के प्लस फाइव। यहाँ पर अभी के प्लस वन के प्लस टू के प्लस फाइव आ रहा है, के प्लस वन और के प्लस टू आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया देखो, के प्लस वन और के प्लस फाइव, यानी के प्लस वन वाला ब्रैकेट ये है, के प्लस फाइव वाला ब्रैकेट ये आ गया, और इसमें से के लिया वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब कौन सा बचा, टू, तो टू और के प्लस वन के प्लस फाइव ये इधर आ जाएगा टू के साथ में, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या किया, इसको हमने वो किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी के की वैल्यू को इन दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, और टू की वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, तो ये आ गया, है ना। और ऐसा करने से हमको देखो क्या फायदा होगा, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू चाहिए थी, ये मिल गई। इसकी वैल्यू हम ऊपर से 3m रख दिया हमने, और ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, k प्लस 1 कॉमन ले लिया ये वाला इन दोनों ब्रैकेट से, क्योंकि ये जो है ये हमारा कॉमन है। तो जब मैं k प्लस 1 और ये k प्लस 1 कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है ना, ये दोनों जो है इनको मैंने कॉमन कर दिया इधर। अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर बचेगा टू के प्लस फाइव और के प्लस टू। अब हमारे पास क्या आएगा देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू के प्लस 10 प्लस के प्लस टू आ गया 3k प्लस 12। ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो आ जाएगा के प्लस 1 के प्लस 4। बस हमारा जो अल्टीमेट पर्पस था वो ये था कि हमें इसको 3 का मल्टीपल बनाना है, और 3 का मल्टीपल ये तभी बन सकता है जब इन दोनों टर्म्स में से मैं 3 कॉमन ले पाऊं। तो 3 कॉमन आ गया, 3 इधर से आ गया, यहां बचा अंदर, इसको मैंने q लिख दिया, q इक्वल्स टू दिस। यस वी कैन से दैट दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारा इस तरह से जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाता है ना। तो यहां पर हमें थोड़ी सी कलाकारी करनी होती है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है, इसी वैल्यू को हमें किसी भी तरह यहां फिट करना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हो अभी। डाउट है कोई, भामिक आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। अभी कोई डाउट है क्या? सर इसको नोट कर लो स्टेटमेंट को यहाँ से, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बाद में। इतना पूरा नोट कर लूँ यहाँ तक। नोट कर लो तो मुझे बता देना।
हो गया मोहित? यस सर, हो गया। या अब चलते हैं यस। और कोई डाउट है इसमें किसी को? एनी अदर डाउट इन दिस चैप्टर? ओके, तो डिप्लोमेटी स्टार्ट करें। माइक खोल के बोली बोलो। यस सर। डिप्लोमेटी यस सर। ठीक है चलो, डिप्लोमेटी में है। डिप्लोमेटी में मैंने पिछली बार कितना बताया था, जरा मुझे माइक खोल के बताते जाएं। सर फर्स्ट एक्सरसाइज तक। फर्स्ट एक्सरसाइज तक, वेरी गुड। अब उसके आगे देखो क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज तक बता दिया और उसके बाद जो हम हमारे क्वेश्चन थे यहाँ तक हमने करा दिया होगा शायद। हाँ, ये वाला करा दिया था और ये कन्वर्जन भी बता दिया था ना हमने, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री बताया था कि नहीं। तो अब आज पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने क्लास 10th में जो फंक्शन पढ़े थे वहां से रिकॉल कराता हूँ। आपने 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं और ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये पढ़े हैं ना सबने? यस और नो? यस सर। अब देखो इसके बाद कौन से एक फॉर्मूला भी पढ़ा है आपने जिससे इनके रेशियो को निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला मैंने पिछली बार भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तो ले, ये याद रखना है। यानी कि एस का मतलब यहाँ पर है साइन, साइन का रेशियो निकालना है मुझे, वो आएगा पी अपॉन एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनोस। ठीक है, तो कॉस का रेशियो आएगा बी अपॉन एच, टेन का रेशियो आएगा पी अपॉन बी, और बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल होते हैं। इनको जब हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको बाकी ये तीन भी मिल जाएंगे, कोसेक, सेक एंड कोटेक। sec is the reciprocal of sine, sec is the reciprocal of cos, cot is the reciprocal of tan. So easily we can get the ratios. Now, some trigonometric identities we have already studied in class 10th, and these identities were sin square theta plus cos square theta is equals to 1, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, 1 plus cot square theta is equals to sec square theta. And reciprocal identities were cot theta is equal to 1 upon tan theta, cosec theta is the reciprocal of 1 upon sin theta, sec theta is the reciprocal of cos theta, so we can write sec theta as 1 upon cos theta. Cosint identities are tan theta is equal to sin theta upon cos theta, cot theta is equal to cos upon sin. ये याद रखना है यहाँ पर, जब भी cot आएगा तो को याद रखना, cos ऊपर आ जाएगा नीचे sin आएगा, tan के केस में sin ऊपर आएगा नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो दीज वर सम आइडेंटिटीज व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th। दीज आर द रेसिप्रोकल आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर। सो नाउ सी साइन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम यहाँ पर हमको साइन रूल की जरूरत क्यों पड़ी पहली चीज, और 10th में हमने क्यों नहीं पढ़ाया हमको, है ना? तो यहाँ पर क्या है, हमको साइन रूल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने जो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़े थे वो तो सारे 90 तक ही पढ़े थे। आपको ध्यान होगा जो आपको टेबल याद कराई गई थी उस टेबल में 0 था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 था, 90 था, लेकिन 90 के ऊपर ना कभी बात की गई और ना ही कोई पढ़ाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 90 के ऊपर एंगल होती नहीं है, 90 के ऊपर भी एंगल होते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस के बाहर थे। अब चूंकि सिलेबस में है इसलिए हम सारी चीजें पढ़ेंगे, इसलिए हमको साइन रूल भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस साइन रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किसी ना किसी 4 क्वाड्रेंट में से एक क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ही, और जिस क्वाड्रेंट में भी लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसका साइन चेक कर लेंगे और उसका साइन लगा देंगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव। All positive मतलब sin is positive, cosec is positive, sec is positive, cosec is positive और tan and cot is also positive. In second quadrant का मतलब यह है कि अगर जो हमारा angle है वो 90 से और 180 degree के बीच में lie कर रहा है तो second quadrant start हो जाएगा, और उस case में केवल दो ही positive होंगे, कौन कौन? sin और उसका छोटा भाई cosec, है ना? तो ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, cos, sec, tan, cot सारे नेगेटिव हो जाएंगे,
इसके बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट जो कि 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि पाई से लेके 3π/2 के बीच में होता है, और इसके अंदर केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। टेन और कॉट एक ही फैमिली के हैं, एक ही घर के हैं, दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बचता है आपका केवल कॉस और उसका छोटा भाई सेक, ठीक है। तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर कंसिडर्ड निगेटिव, बस इस रूल को याद रखना। और इसको याद करने के लिए एक और याद कर लो फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला बना है ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, ठीक है ना। ऑल यहाँ लिखा हुआ साइंस मतलब एस, एस से याद कर लोगे कि साइन और कोसेक, और यहाँ पर आ रहा है टीचर्स, टीचर का मतलब टी यानी टेन एंड कॉट, और सी आ रहा है यहाँ पर सी का मतलब कॉज एंड सेक, ठीक है ना। याद रहेगा सबको, क्या याद रहेगा, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, सभी साइंस टीचर पागल होते हैं, लेकिन ये याद करने के लिए ऐसा मान मत लेना, ठीक है। याद हो जाएगा ना अब ये, है ना। तो बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, और हमको याद हो जाएगा, ये याद हो गया होगा मैं समझता हूँ। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। टू गोल्डन रूल्स, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एंगल निकालने के दो ही नियम हैं, और वो कौन से गोल्डन रूल है वो हमें समझना है। उससे हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, और ये एंगल जैसे मैंने बताया था कि 90 तक ही कंफाइंड नहीं है, ये गोज अप टू 0 टू इनफाइनाइट, आप कितने भी डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं। यस यू कैन फाइंड इट आउट नाउ, पहले आपको 10 तक ही निकालना आते थे, लेकिन अब मैं जो फॉर्मूला आपको बताऊंगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप 0 से लेके इनफाइनाइट डिग्री तक की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे निकाली जाती है, कैसे निकालने का प्रोसीजर है। वो उसको निकालने के लिए दो रूल चलते हैं जो हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और रूल नंबर 1 ये कहता है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, हमको ये देखना है कि जो एंगल हम निकाल रहे हैं क्या वो एंगल पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल पाई बाई 2 क्या होगा, जैसे पाई है, 2π है, 3π है, 4π है। पाई को हमें ऐसे भी याद रखना है, पाई का मतलब 180 है, 2π का मतलब 360 है, 3π का मतलब 540 है, 4π का मतलब 720 है, ऐसे भी याद रखना है। दोनों एंगल याद रखने हैं, रेडियन में भी याद रखना है, डिग्रीज में भी याद रखने हैं। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होंगे पाई, 2π, 3π, 4π, ये सब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ना। और ऑड मल्टीपल ऑफ 3π/2 क्या होंगे, वो भी आएगा। अगर मान लो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक का जो रेशियो है, यानी साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, ये इसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो रूल नंबर 2 है वो ये बताता है कि अगर ऑड मल्टीपल है, ठीक है, ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 के, तो नियम बदल जाएगा। ऑड मल्टीपल में क्या आएंगे, ऐसे 3π/2 है, 5π/2 है, 7π/2 है, 9π/2 है, ऐसे कुछ भी आ रहा है, प्लस माइनस में, प्लस माइनस का 3π/2 है, माइनस का 5π/2, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल यानी 90 का ऑड मल्टीपल में लिखा हुआ है, तो वहां पर हम रूल चेंज कर देंगे और वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है यानी साइन कॉस वाला वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा, देखो साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो वापस साइन हो जाएगा, ये रेशियो चेंज हो जाता है, ये हमको याद रखना है। साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, दूसरा टेन चेंजेस टू कॉट, कॉट चेंजेस टू टेन, तीसरा है सेक चेंजेस टू कोसेक, कोसेक चेंजेस टू सेक। समझ में आ गया ये नियम सबको, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियरली, विज ऑडिबल है? यस सर, यस सर। समझ में आ गया, साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट, मैंने बताया ना एक ही फैमिली के छोटे भाई है, वो वाला रूल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, साइन और देखो कॉस के साथ चेंज हो रहा है ना, क्योंकि साइन का जो फैमिली का मेंबर था वो था कोसेक, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, कॉस, तो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। ऐसे सेक के साथ बताया था कॉस, लेकिन सेक के साथ यहाँ आएगा कोसेक, ये चेंज हो जाता है। और टेन ऑफ कॉट का वही रहता है, ये बदलाव नहीं हुआ,
अब देखो इसका क्या फायदा है, इसका क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अभी हम समझेंगे इनको, है ना। अभी हम आपको भी देंगे एक्सरसाइज करने के लिए, और उस टाइम में सबको देखूंगा कैमरा ऑन करके कि कौन कौन बच्चा काम कर रहा है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर वन कैसे हम सीखते निकालना। मान लो मुझे साइन पाई बाई टू माइनस जीरो निकालना है, तो इसको कैसे समझेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस जीरो, पाई बाई टू का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से भी आपने कुछ कम कर दिया तो ये वाला जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि नहीं भाई, 90 में से भी आप कुछ कम कर देंगे से नहीं जाएगा, और फर्स्ट पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, है ना। अब अभी मैंने ये बताया गोल्डन रूल नंबर वन कि अगर ये ऑड मल्टीपल है तो रेशियो बदल जाएगा, साइन है तो कॉस आ जाएगा, तो ये ऑड मल्टीपल है कि नहीं पाई बाई टू, यस और नो, पाई बाई टू ऑड मल्टीपल है कि नहीं, यस सर, है ना, तो ये ऑड मल्टीपल है, साइन का हो गया कॉस, कॉस हुआ तो हो जाएगा साइन। और ध्यान रखना जब भी हम इनको इस टाइप से घटा के या जोड़ के निकालते हैं ना, पाई बाई टू मान लो माइनस थीटा है, पाई बाई टू प्लस थीटा होता, तो हमेशा ये वाली वैल्यू हम एंगल के हिसाब से देख लेंगे, अगर साइन का कॉस हो रहा है पाई बाई टू का मल्टीपल है तो हम इसको बदल लेंगे, और अगर नहीं बदलेगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये एंगल हमें ध्यान रखना है, थीटा का थीटा ऐसे ही आ जाता है, ये वाला छोड़ देते हैं और ये वाला लिखा जाता है, यानी इसके साइड में जो प्लस माइनस करके जो एंगल लिखा हुआ है वो एंगल यहाँ आ जाएगा, ये इसका रूल है फाइंड करने का। वैसे कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा तो कॉस का हो गया साइन थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा तो टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, क्यों, ये सारे पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं सारे, इसलिए पॉजिटिव हम लिखना ही है हमको, तो टेन का हो जाएगा सर। सही है, ऑड इवन एक बार और बता दो, ऑड और इवन कैसे देखते हैं। अच्छा बताते हैं, तो सेक आ जाएगा, सेक सेक का हो जाएगा, सेक कॉट का हो जाएगा टेन, ऑड इवन में गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, यस सर। अब देखो गोल्डन रूल नंबर वन ये था हमारा, गोल्डन रूल नंबर वन क्या बोल रहा है कि अगर पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है, यानी पाई बाई टू को मैं मल्टीप्लाई करूँ टू से फोर से, है ना, इवन मल्टीपल आएगा ना इस तरह से, तो क्या आएगा, अगर मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो पाई आ जाएगा, टू पाई आ जाएगा, थ्री सिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री पाई आ जाएगा, है ना, और एट से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा फोर पाई, तो ये क्या आएगा, ये सारे इवन मल्टीपल माने जाएंगे। जब भी इवन मल्टीपल आएगी यानी ये वाली वैल्यू जब आ रही होंगी तब कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डू नॉट चेंज। लेकिन रूल नंबर टू कहता है कि अगर ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल कैसे है, जैसे कि पाई बाई टू है, थ्री पाई बाई टू है, फाइव पाई बाई टू है, सेवन पाई बाई टू है, नाइन पाई बाई, ये लिख लो आप साथ में लिखते जाया करो, जब मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ मतलब आप लिखना शुरू कर दो, तब आपको बाद में समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे इसको। कीप ऑन राइटिंग दीज रूल्स, लिख रहे हैं इसको, यस सर, ठीक है। तो हम इस तरह से इसमें चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, कौन सा रूल होगा, साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, इसलिए यहाँ पर डबल साइडेड एरो लगा हुआ है, दोनों रिवर्सिबल हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, क्या सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये आ जाएगा, समझ में आ गया, ये लिख लिया, तो आगे बढ़ू फिर मैं। ओके अब आगे देखते हैं, ये वाला मैंने समझा दिया, अब दूसरा देखो एग्जांपल नंबर टू। अब देखो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा है, अब कुछ कुछ आपको भी यहाँ करना पड़ेगा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा है, तो अब देखो पाई बाई टू का मतलब कितना हुआ 90 डिग्री,
और 90 डिग्री में अगर मैं कुछ भी जोड़ूंगा एंगल के अंदर तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो? मैं खोल के बोलो जरा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड वाले में है ना। और सेकंड में जो हमने रूल बताया है कि साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं बाकी नेगेटिव होते हैं, तो साइन, अब देखो यहाँ पर ये ऑड मल्टीपल है तो साइन का हो गया कॉस और थीटा इधर आ गया तो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो कॉस 5/2 प्लस थीटा किया तो देखो क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा, कॉस का हो जाएगा साइन, क्यों? क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है 5/2 का। और नेगेटिव साइन क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर कॉस नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन एंड कोसेक विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड रेस्ट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही टेन का देखो, टेन का क्या आएगा, टेन 5/2 प्लस थीटा होगा तो ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टेन का हो जाएगा कॉट पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑड मल्टीपल है 5/2 का, और थीटा का थीटा आ जाएगा। और माइनस क्यों आ गया? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा डेफिनेटली, इसलिए ये माइनस हो गया। ये तीन समझ में आ गए क्या सबको? यस और नो? ये लिखो आपके तीन रेशियो के निकाल के बताओ मुझे, तीन रेशियो कौन से बचे? कोसेक, सेक एंड कॉट, इसके तीन के निकाल के लिखो। तीन मैंने लिखे यहाँ पर, तीन आप लिखेंगे, फटाफट लिखो और मुझे बता देना जैसे हो जाए कि यस मेरा हो गया। लिख लिया कि नहीं तीनों? इतना टाइम लग रहा है क्या? ये तीन तो बताओ, कोसेक का क्या आया? कोसेक 5/2 प्लस थीटा, सर सेक थीटा, सेक थीटा, ओके वेरी गुड। देखो आप तीनों मिला लो अपने, क्वाड 5/2 प्लस थीटा आएगा माइनस टेन थीटा, सेक 5/2 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये सबने लिख लिए, बना लिए तीनों, छह पूरे। ये हमको बहुत प्रैक्टिस करनी है तभी समझ में आएगा। आगे चलूं मैं? Shall we move ahead? Yes, sir. Okay, now see. अब जरा ये देखो, साइन 3/2 प्लस थीटा है ना, साइन 3/2 प्लस थीटा, वेदर इट इज ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल ऑफ 5/2, जस्ट थिंक ओवर, ऑड मल्टीपल तो पहले गोल्डन रूल नंबर 2 लगेगा, अगर ऑड मल्टीपल होगा तो रेशियो बदल जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, तो कॉस थीटा तो इधर लिख दिया। अब देखेंगे इसका साइन, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ, वेरी गुड। तो फोर्थ में साइन देखेंगे है ना, ये वाला जो साइन लिखा है ना ये चेक करेंगे, ये कॉस चेक नहीं करेंगे, ये साइन जो होगा वो फोर्थ में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव साइन लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? कॉस थीटा। ऐसे ही देखो, कॉस 3/2 प्लस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। क्यों आएगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस की जगह हो जाएगा साइन। थर्ड, टेन 3/2 प्लस थीटा तो आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि टेन का कॉट चेंज हो जाएगा, थीटा का इधर थीटा आ जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट 10 नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसके बाकी के तीन और लिखे हैं आप, ये नोट कर लें, नोट करते जाओ इनको, देखो
एक बार आप नोट कर लेंगे रह करके। सर हो गया। वेरी गुड। अब देखते हैं आगे, एक स्लाइड और देखते हैं, एग्जांपल फोर। अच्छा अब देखो, साइन पाई माइनस थीटा, ये एक बताऊंगा मैं, है ना। तो आएगा साइन थीटा, क्यों आ रहा है साइन थीटा, क्योंकि पाई आ रहा है यहाँ पर, पाई जो है वो पाई बाई टू तो है ही नहीं अभी, है ना। तो पाई बाई टू हम इसको इवन मल्टीपल मान सकते हैं, क्योंकि पाई बाई टू में जब हम टू से इंटू करेंगे तो हमको पाई मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर गोल्डन रूल नंबर वन लगेगा। गोल्डन रूल नंबर वन क्या बोलता है कि अगर पाई बाई टू के इवन मल्टीपल है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन आएगा, कॉस होगा तो कॉस आएगा, टेन होगा तो टेन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन है तो वो यहाँ मैंने साइन लिख दिया, ये एंगल थीटा यहाँ आ गया। अब आते हैं दूसरी बात पर कि इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब पाई माइनस थीटा का मतलब, पाई मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी आप कुछ कम कर रहे हो, यानी माइनस थीटा घटा रहे हो कुछ एंगल, तो सेकंड में ही रहेगा, सेकंड के बाहर जाएगा ही नहीं। ये क्या आ जाएगा, प्लस का साइन थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो सेकंड कॉस पाई माइनस थीटा होगा, सेम केस यहाँ पर भी लागू होगा, कॉस का कॉस आ जाएगा, थीटा का थीटा आ जाएगा, बस माइनस साइन देखेंगे और प्लस साइन। तो ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या होता है, ऑल साइंस टीचर्स, साइन मतलब साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक विल बी ट्रीटेड पॉजिटिव, लिख रही है कॉस है तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो तीन यहाँ पर मैंने निकाल दे रहा हूँ आपको, और बाकी के तीन आप निकाल के लिखें अपनी कॉपी में, और ये तीन भी नोट करें क्विक। सर हो गया। पूरे सिक्स हो गए, ऑल सिक्स। यस सर। वेरी यस नाइस। जिसने नहीं किए वो देख ले, मैंने उनके लिए पूरे छह लिख दिए हैं यहाँ पर। अब आप आज का होमवर्क लिख लें कि आपको यही रेशियो निकालने हैं, छह छह, कौन से निकालने हैं, साइन पाई प्लस थीटा वाला लिख लें, पाई प्लस थीटा के लिए पूरे छह निकालने हैं, होमवर्क लिखें, पाई प्लस थीटा और टू पाई प्लस माइनस थीटा, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, ठीक है। और साइन मैंने बोला साइन पाई प्लस थीटा और साइन सॉरी टू पाई प्लस माइनस थीटा के लिए निकालना है, और तीसरा निकालना है सेवन पाई माइनस थीटा के लिए, ठीक है। ये तीन टाइप के मैंने आपको बता दिए, सेवन पाई माइनस थीटा के लिए हमको पूरे छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। ये आपका होमवर्क है। आई होप कि आज की मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, और कोई भी अभी डाउट है तो आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? अपना कैमरा ऑन करें, वी शैल हैव शांति पाठ, कैमरा ऑन करो। एक बार मैंने लास्ट अटेंडेंस वाली ले ली, और लास्ट वाली ही भेजता हूँ मैं, शुरुआत वाली ले लेता हूँ लेकिन भेजता नहीं हूँ, लास्ट में जो आएगी वही भेज रहा हूँ। ओके, होमवर्क समझ में आ गया सबको अच्छे से? होमवर्क समझ में आ गया क्या करना यस सर। है? समझ में आ गया? एनी डाउट? लेकिन करना सबको है ये, ठीक है। आप जितना ये कर लेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आगे हेल्प मिलेगी। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको लिए भी है, वो भी करना है उनको भी, ठीक है। नाउ वी शैल हैव शांति पाठ।
सो जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज. शांति शांति शांति. ओके साईं राम. साईं राम सर.